वेलकम बैक टू आवर चीज़ कैंटीन। यू आर वॉचिंग अनदर वीडियो। और जिन लोगों ने इसका पहले वाला ब्लॉग देख चुका है उनको तो पता है मैं कहाँ पे हूँ, और जिन्होंने नहीं देखा है उनको बोलता हूँ आई स्टे एट कोलकाता एंड मैं कुछ काम के लिए मुंबई आया 20 दिन के लिए और आज मेरा छुट्टी है एंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द गेटवे ऑफ इंडिया। और मेरे जस्ट पीछे है दिस ग्रेट बिल्डिंग जिसने पता नहीं क्या ही क्या ही देखा है, द ग्रेट ताजमहल मुंबई। घूमने वाले बहुत अच्छा है, सुबह सुबह बारिश हुई है। हमारा प्लान था कि हम एलिफेंटा केव जाएंगे बट ये बोट तो चल रही है बट केव के अंदर बंद है और टिकट्स भी कॉस्टली है, नॉट वर्थ। हम लोग सोच रहे हैं उसको स्किप कर देंगे। तो बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग के बाद एट लास्ट हम एलिफेंटा केव के वहाँ जा ही रहे हैं। हम लोग एक बोट पे हैं, फेरी टाइप्स ऊपर आए हैं, बैठे हैं, बोट छोड़ेगा। एक घंटे में हम लोग जाएंगे एलिफेंटा केव, फिर एक घंटे में वापस आएंगे, इधर थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे शॉपिंग करेंगे। मस्त यार, समुंदर देख के मन खुश हो जाता है, पीछे ताज होते हैं। मैं तो अपना पूरा दिन यहाँ गुजार सकती हूँ यार। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ऐसे हिल्स के साथ, हवा दे रहा है, बहुत सुंदर। तो एलिफेंटा केव पहुंच गए और द लोकेशन इज सो क्रेजी। ऐसे मतलब आइलैंड है और ये पूरा रास्ता है, यहाँ से वी हैव टू वॉक बाई तरफ सी पूरा मुंबई और दाई तरफ भी, सो प्रिटी। बट यहाँ पे एक टॉय ट्रेन है, कितना मस्त है, आइलैंड के बीच में ट्रेन चल रहा है, सोच सकते हो, सो ग्रेट। अब एलिफेंटा केव में जाने के लिए हमको 120 सीढ़ी चढ़नी है, और छोटी छोटी सीढ़ियाँ नहीं है, ये चौड़ी वाली सीढ़ी है। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे दुकान है पर आज मंडे है, शायद मार्केट बंद है। भैया ये पत्थर कितने के हैं ये, और ये छोटे वाले 75 का है, कम होगा थोड़ा। लकड़ी दे दिया हाथ पे और 10 मिनट ऊपर चलना है, रास्ता ऐसा है, हालत मेरा खराब हो चुकी है। और ये लकड़ी मेनली देने का रीजन ये है कि बंदर यहाँ पे पीछे पड़ता है, अभी 2-3 बंदर को एक साथ लड़ते हुए देखा। मेरे साथ एक कुत्ता भी जा रहा है, निकुदा कितने आगे पहुंच गए, मैं डंडा लेके भी आगे नहीं पहुंच पा रहा हूँ, बड़ा हार नहीं मानेंगे भाई लोग, पसीना दिख रहा है। हेलो डॉगी, कम कम आजा, हमारे पीछे ना तो क्यों नहीं, हमारा चार जन ही मना अच्छी, चलो मुंबई में ऐसे जगह पे ऐसा चीज एक्सपीरियंस करेंगे, एकदम एक्सपेक्टेड नहीं था। हम लोग वहां पे थे, वो दिख रहा है, वहां से हम लोग इतना ऊपर चढ़ के आए हैं, और भी ऊपर जाना है, थक गए। एलिफेंटा केव तो बंद है मतलब अंदर का मेन, बट हम अभी इधर पे एक तोप है उसके लिए इतना थोड़ा एक्स्ट्रा चढ़े थे ऊपर, बहुत पुराना है, इसको देखते हैं। रास्ता देखोगे, देखो ये तोप है, मुंबई में अगर कोई भी अटैक करने जाएगा तो ब्रिटिश लोग पता नहीं ये किसने बिल्ड किया है, यहाँ से डायरेक्ट तोप जाएगा एकदम,
वड़ा पाव ऑर्डर किया, बीच पहाड़ के बीच में, जंगल के बीच में। और इस वड़ा पाव में चटनी नहीं है, हाँ, थोड़ा सा अलग सूखी चटनी है, बस इसको खाएंगे। चलो चीयर्स। अच्छा लग रहा है, इतना ऊपर चलेगा, यही दे रहा है, समुंदर में मिल रहा है, बहुत अच्छा बात है। ठीक है, हम लोग नीचे जाएंगे और बस वीडियो को मैं यही एंड करूँगा, क्योंकि वीडियो मुझे और लंबे बनाने का मतलब था, आई ट्राइड, मैं फ़ोन में चार्ज खत्म हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो फ्रॉम आर्चीज कैंटीन एंड टिल दैट गुड बाय।